हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। मेरा नाम है सैयम बड़ोला और आज का वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है। अब समय आ गया है जागने का, क्योंकि उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। ओके, अब समय बहुत कम बचा है तुम लोगों के पास। तुम लोगों को जो टारगेट तुम लोगों ने सोचा था क्लास 11th में PCM लेने के पहले, उसका समय आ गया है। ओके, अब पूरी तरह से तैयारी करनी है उस चीज़ के लिए इफेक्टिवली, क्योंकि समय अब बहुत कम है। कितने दिन बाकी है? 156 दिन बाकी है JEE मेंस 2020 में। जनवरी वाला अटेम्प्ट सब लोग देंगे, पहला अटेम्प्ट है तुम लोगों के लिए। दो है कि पहला अटेम्प्ट अच्छा हो जाएगा तो फिर JEE एडवांस पे तुम लोग फोकस होके जनवरी से लेके मई तक पढ़ पाओगे। इसलिए सबका ये टारगेट होना चाहिए कि JEE मेंस 2020 जनवरी वाले अटेम्प्ट में अच्छा करना है। तो अब करेंगे कैसे, तो आज उसी पे बात करेंगे। आज का वीडियो उसी को लेके बनाया गया है। बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों ने पूछे अलग अलग सोशल मीडिया पे मुझसे, लाइक फेसबुक पे बहुत सारे मैसेजेस आए, तो मेरे को लगा कि ये वीडियो बनाना चाहिए। आप लोगों को प्रॉब्लम आ रही है कि कैसे रिविजन करें, कैसे हमारा जो बैकलॉग्स हो गए हैं, कैसे जो चीज़ हमने पढ़ रखी है वो हम भूल चुके हैं, तो उन सब चीज़ों को अब कैसे किया जाए, क्योंकि समय कम है, सबको इस समय डर लग रहा है। तो सबसे पहली चीज़, डरो मत, है ना। ये बहुत सिंपल चीज़ है लाइफ में, ऐसी हर बार, मतलब हर एक चीज़ को तुम पार करोगे तो अगली बार फिर ऐसी कोई तुम्हारे सामने चुनौती आती रहेगी। ज़िंदगी इसी का नाम है, चुनौती नहीं आएगी तो मज़ा क्या आएगा जीने में। तो आज का वीडियो इसी चीज़ पे है कि कैसे फोकस होके इफेक्टिवली पढ़ा जाए। तो सबसे पहली चीज़, उल्टी गिनती शुरू हो गई है तो एक पहली चीज़ जो मैं आज डिस्कस करूँगा वो ये है कि हम जो रिविज़न करेंगे वो हम वीकली बेसिस पे प्लानिंग करेंगे। ओके, पहले तुमने ये समझ लिया कि 156 दिन बाकी है। अब जो बच्चे एक दिन में मिनिमम, ओके, 6 घंटे तो सबको पढ़ना है, पर मैं अब सजेस्ट करूँगा कि 8 आवर्स की तुम्हारी सिटिंग आवर्स होने चाहिए। इतने देर तुम लोग सेल्फ स्टडी करो, खुद से 8 घंटे तुमको पढ़ाई करनी है। इस 8 घंटे में तुम हो सकता है पुराने चैप्टरों का रिविजन करो। अब पुराने चैप्टर कितने हैं, मतलब मैथमेटिक्स को अकेले को देखें तो 35 से 40 चैप्टर हैं। ओके, 35 से 40 11th + 12th मिला के। पर काम के कितने हैं वो इम्पॉर्टेंट है, मतलब जिनका वेटेज ज़्यादा है पहले उनको उठाओ। क्लास 11th में भी जैसे कॉनिक सेक्शन है, ओके, टॉपिक वाइज कभी मैं बात करूँ, सीक्वेंस एंड सीरीज है ना, सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन, लीनियर इनइक्वालिटी आनी चाहिए। ओके, देखो जो भी चैप्टर तुम लोगों ने पढ़ रखे हैं सब इम्पॉर्टेंट है, मगर अब टाइम क्या है, पुराने पेपर देखो एक दिन लगेगा पूरी प्लानिंग करने में, इतने दिन की पूरी प्लानिंग तुम एक दिन में कर लोगे। देखो कोई भी चीज़ अचीव करनी रहती है ना लाइफ में, कभी बिना प्लानिंग के, ओके, कभी चलने लग गए तो भटक जाओगे रास्ते से, मतलब कभी तुमको पता ही नहीं है कि तुमको जाना कहाँ है। बस तुमको ये पता है जाना कहाँ है, तुमको ये नहीं पता है कि जाना कैसे है, किस रास्ते से जाना है। तो तुम क्या करोगे, इससे पूछोगे, उससे पूछोगे, इधर भटकोगे, उधर भटकोगे, और तुम्हारा समय बर्बाद होगा, तुम अपना टाइम किल करते चले जाओगे, और ये टाइम वापस नहीं आएगा, ये क्लास 12th वापस नहीं आएगी, ये JEE मेंस का पहला अटेम्प्ट वापस नहीं आएगा। तो जितनी एफिशिएंसी के साथ तुम अभी लग जाओगे, मतलब आज तक भी, ये अगस्त में मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, शायद 5 अगस्त है आज की तारीख, तो कभी 5 अगस्त तक भी बच्चे अभी सो रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी भी 156 दिन बाकी है, कुछ भी किया जा सकता है। 156 दिन सब जगह से आइसोलेट हो जाओ, दोस्ती यारी, खेलना कूदना, गेम्स जो भी करेंगे इफेक्टिवली, इस चीज़ को दिमाग में रख के करेंगे कि ये एग्ज़ाम निकालनी है, उसके हिसाब से पूरा दिन का प्लान बनाओ। उस दिन का जो भी तुम प्लानिंग कर रहे हो उसमें 8 घंटे, ओके, 8 आवर्स सेल्फ स्टडी निकालनी है तुमको, 24 घंटे में से 8 घंटे सेल्फ स्टडी निकालनी है। अब हो सकता है बहुत सारे बच्चे स्कूल जाते हो, तो देखो स्कूल में भी बहुत सारे पीरियड फ्री होते हैं,
11 12th में स्कूल वाले भी इतना ध्यान नहीं देते बच्चों पे, तो स्कूल के पीरियड जो फ्री है वहाँ पे भी तुम इसमें टाइम निकाल सकते हो सेल्फ स्टडी का। ओके, जो लोग पैरेलली वीडियोस भी देख रहे हैं तो वीडियोस का निकालना है टाइम इसके अलावा, 8 घंटे ये वो टाइम है जिसमें तुम सेल्फ स्टडी कर रहे हो। ओके, अब 8 घंटे में क्या होगा, कभी मैं एक दिन में इक्वली डिवाइड करूँ तो 3 घंटे 3 घंटे 2 घंटे, 3 घंटे मैथमेटिक्स, 3 घंटे फिजिक्स, 2 घंटे केमिस्ट्री। अब देखो ये वेरी कर सकता है, किसी की केमिस्ट्री बहुत अच्छी हो है ना तो वो 2 घंटे दे 1.5 घंटा दे कुछ भी दे सकता है, या किसी की केमिस्ट्री बहुत वीक है तो उसको 3 घंटे केमिस्ट्री को देना है, किसी का मैथ्स मतलब जिसको मैथ्स में दिक्कत नहीं है वो मैथ्स को कम समय दो, पर 3 घंटे डेली दोगे तो 11th का भी रिवाइज होता जाएगा प्लस 12th का भी तुम लोग कर पाओगे। अब देखो 11th का जो टॉपिक्स हैं एज कंपेरिजन 12th ईजी लग रही होगी, कैलकुलस ही है, कैलकुलस में फंक्शन से लेके एरिया अंडर द कर्व तक सारे टॉपिक एक दूसरे से रिलेटेड है। ओके, तो कैलकुलस का तो अभी पैरेलली अभी पढ़ा है रिसेंटली तो सब चीज़ें याद है, पर 11th का सब कुछ भूल गए हैं। तो देखो क्या होगा, जब रिवीजन करने बैठोगे तो ऐसा लगेगा कि सब चीज़ें दिमाग से चली गई है, पर जब तुम रिवीजन करो तो अब एक बात याद रखना कि अब तुमको, तुमने कभी शॉर्ट नोट्स अभी तक भी नहीं बनाए हैं तो अब प्लीज़ बना लो, क्योंकि ये दिसंबर में बहुत काम आएंगे। ओके, शॉर्ट नोट्स प्लस जो भी किताब तुमने अभी तक लगाई है तो उसमें मार्क किए होंगे जो क्वेश्चन तुमसे नहीं बने होंगे, मैंने ये बात तुमको पहले भी बताई थी, तो उन क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करना जब तुम रिवीजन करो। मतलब मान लो मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रिवीजन कर रहा हूँ तो मैंने क्या किया, मैंने पहले अपनी थ्योरी नोट्स पढ़ लिए, फिर मैंने क्वेश्चनों को देखा, जो क्वेश्चन मुझसे पहली बार में नहीं हुए थे उन पे मैंने स्टार लगा रखा था जब मैंने उनको अटेम्प्ट किया था पिछले साल, उनको जब तुम इस बार करोगे, कभी वो नहीं होते तो उनके सॉल्यूशन तुम लोगों के पास लिखे होंगे उस समय नहीं बनाए तो, पर इस बार उनको करके देखना और क्यों नहीं बने थे समझना। ओके, तो तुम्हारे जो रिवीजन होगा वो इफेक्टिव होगा, नहीं तो केवल पढ़ के बिना क्वेश्चन किए वापस से तुम ऐसे रिवाइज करते जाओगे तो केवल फॉर्मूले रिवाइज होंगे, थ्योरी रिवाइज होगी पर जब तुम क्वेश्चन को अप्लाई करने जाओगे तो वहाँ पे तुमको दिक्कत आएगी, क्योंकि ये पूरा खेल समय का है ना, 3 घंटे हर सब्जेक्ट के 30 क्वेश्चन, ओके 120 नंबर ईच सब्जेक्ट, अपना टारगेट होना चाहिए कि मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर करना है, तो प्लानिंग अपनी ऐसी है कि जितना अपन मैक्सिमम कर सकते हैं 156 दिन में उतना अपना मैक्सिमम इनपुट लगाओ, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ मैक्सिमम आउटपुट आएगा और आप लोग रिजल्ट से खुश होंगे। कभी अभी आप लोग जाग गए तो, अभी भी कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि अभी भी समय है, कुछ दिन और अपन बर्बाद कर लेते हैं पबजी इसमें उसमें, तो ये सब है ना बाद में याद आएगा जब तुम्हारे दोस्त लोग अच्छे कॉलेज में IIT NIT में पहुंच जाएंगे और तुम अपने लोकल कोई भी अपने लोकल एरिया के कॉलेज में पढ़ाई शुरू करोगे। देखो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वहाँ पे पढ़ोगे तो लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे, कर पाओगे, पर अभी तुमने जो ड्रीम देखा था उसको पूरा करने का वक्त आ गया है, अपने आप को प्रूफ करने का वक्त आ गया है, तुम्हारे पेरेंट्स को तुम लोगों से बहुत सारी एक्सपेक्टेशन है, तुमको अपने आप से बहुत सारी एक्सपेक्टेशन होगी, तो उन सब को तुम जस्टिफाई कर पाओगे इस एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म करके। ओके, तो मेरे ख्याल से देखो क्या करना है, वीकली बेसिस पे प्लानिंग करनी है। सबसे पहली चीज़ क्या होगा, जब तुम पूरे 156 दिन की प्लानिंग करोगे ना तो तुमको लगेगा अथाह सिलेबस, वीकली बेसिस पे कोई भी 3 चैप्टर उठाओ हर सब्जेक्ट के, 3 चैप्टर मैथमेटिक्स के उठाए, 3 चैप्टर फिजिक्स के उठाए, 3 चैप्टर केमिस्ट्री के उठाए। ओके, या 3 नहीं तो 2 उठा लो। ओके, जिसकी जो जितना कर पाओ, ऐसा भी नहीं है कि ज़्यादा अपने पे बर्डन डालना है। ओके, तो भी दिक्कत हो जाएगी, तो हर एक इंडिविजुअल अपनी कैपेसिटी को जानता है, बस मैं ये कह रहा हूँ कि अपनी जो भी कैपेसिटी है उसको इंक्रीज करना है इतने दिनों में। ओके, पर ये नहीं है कि उसके कारण तुमको बर्डन आ जाए, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि जितना कर सकते हो, कभी 2 चैप्टर कर सकते हो तो 2 चैप्टर मैथमेटिक्स के इस वीक में, जैसे मंडे से लेके संडे तक 7 दिन है तुम्हारे पास 2 चैप्टर मैथ्स के, मान लो 3 घंटे दे रहे हो तुम तो 7 दिन में 21 घंटे हो गए, 3 चैप्टर मतलब 7 घंटे देने हैं तुमको
एक चैप्टर को 7 घंटे दे दोगे उस चैप्टर को, तुम्हारा वो चैप्टर पूरा रिवाइज हो जाएगा। ओके, पहली चीज टाइम के अकॉर्डिंग पढ़ाई नहीं करनी है, टारगेट के अकॉर्डिंग पढ़ाई करनी है। ये टारगेट मान लो 3 घंटे तुम्हारा नहीं हो पा रहा है 3 घंटे में कोई टॉपिक, तो उसको 4 घंटे दो, पर उसके लिए तुमको क्या करना होगा, बाकी का अपना जो टाइम है जहाँ तुम किल कर रहे हो अपना समय, उसको बंद करके पढ़ाई में ज़्यादा टाइम यूटिलाइज करना है। 8 घंटे भी दे सकते हो सेल्फ स्टडी को, 10 घंटे कर लोगे तो और अच्छा है। अब 6 घंटे में काम नहीं बनेगा, ओके, कभी 6 घंटे सेल्फ स्टडी करोगे तो अब वो काम नहीं, क्योंकि अभी तक कभी पढ़ रखा है सब बहुत अच्छे से तो बहुत स्मूथली ये प्लानिंग तुम्हारी काम करेगी, नहीं पढ़ रखा है तो दिक्कत आएगी, पर घबराना मत, धीरे धीरे स्मॉल स्मॉल स्टेप्स लेते चलो पर डे वाइज, और जब दिन ख़त्म हो तो अपने आप को अप्रिशिएट करो, तुमने जो भी आज पूरे दिन में पढ़ाई की है। पहले देखो, खुद को जब तक अंदर से मोटिवेट नहीं करोगे, है ना, जब तक तुमको ऐसा लगेगा कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे, पहली चीज़ एक बिलीव करो कि मेरे से ये चीज़ हो जाएगी। जेई मेन्स 2020 मेरे लिए बहुत इजी है, मैं उसको इजीली क्रैक कर लूँगा, ये चीज़ हमें सोचनी है सबसे पहली चीज़। कभी पहले से ही सोचोगे कि यार ये मेरे बस में नहीं है तो फिर मत करो तैयारी, ओके, क्योंकि ये साइकोलॉजी है ना हेल्प करती हमारी काम में, ओके, पढ़ने का काम है तो साइकोलॉजी बहुत हेल्प करेगी। जब पहले से तुमने डिसाइड कर लिया कि मेरे बस की नहीं है तो तुम्हारा माइंड तुमको वो करने ही नहीं देगा, ओके, वो तुमको अलग अलग चीज़ें बताएगा जहाँ पे तुम अपना टाइम किल करोगे, ये चीज़ हमें नहीं करनी है, ओके। तो प्लीज़ यार, सब लोग बहुत समझदार हो, तुम लोग इतनी बात समझ में आ गई होगी कि यार ये जो टाइम है ना ये वापस नहीं आएगा, तो लग जाओ लगन से, पूरी ताकत लगा दो। तुम लोगों के लिए बहुत आसान है, ये ऐसा कुछ नहीं है जो तुम्हारे बस में नहीं है, ओके, बस इफ़ेक्टिव रिविज़न करना है, जो भी चीज़ हमारी पीछे रह गई है उनको उठा के देखो, जिनका ज़्यादा वेटेज है उन पे ज़्यादा टाइम दो, क्योंकि काम वही आएगा, ओके। मान लो कॉनिक सेक्शन का ज़्यादा वेटेज है तो कॉनिक सेक्शन को अच्छे से रिवाइज करो, ताकि जब जेई मेंस में कॉनिक सेक्शन का क्वेश्चन आए तो तुमसे बने। और जेई मेंस जेई एडवांस जितनी टफ नहीं होती, जेई मेंस CBSE NCERT का हल्का सा ऊपर का लेवल होता है, पर कंसेप्ट जो हमने CBSE की किताबों में पढ़े हैं वही रहते हैं, ओके, तो कोई ऐसी नहीं है कि बहुत ज़्यादा IQ चाहिए, बहुत ज़्यादा सोचना पड़ रहा है किसी क्वेश्चन में। जेई मेंस के क्वेश्चन तुम लोग देखोगे तो बहुत ईजी होते हैं, केवल तुमको चीज़ें पता होनी चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, ओके, मतलब जेई मेंस पूरी इन्फॉर्मेशन पे बेस्ड है, जितनी ज़्यादा तुमको चीज़ें पता होगी तुम इतनी जल्दी इफेक्टिवली इस एग्ज़ाम में कर पाओगे। जेई एडवांस ऐसा नहीं होता, जेई एडवांस की बात करेंगे किसी वीडियो में कि उसमें क्या इंपॉर्टेंट होता है, पर जेई मेंस में जितना ज़्यादा तुमने पढ़ रखा होगा उतना अच्छा तुम अप्लाई कर पाओगे एग्ज़ाम में, ये सीधी कहानी है, ओके। तो वीकली बेसिस पे प्लानिंग करनी है, ओके, 7 दिन का टारगेट है, 3 चैप्टर हर सब्जेक्ट के, ओके, तो 9 चैप्टर हो गए, या 3, मतलब देखो यूनिट की बात कर रहा हूँ मैं, यूनिट जैसे एक यूनिट में मान लो 3 चैप्टर है तो मैं 1 चैप्टर की बात कर रहा हूँ। जैसे मान लो फिजिक्स में तुमने चालू किया, NCERT के ऑर्डर में ही चलो, ओके, और करते चलो, एक एक करके सारे चैप्टर अपने हिसाब से करो, तुमसे हो जाएंगे, ओके। नंबर 2 इज कि शुरू कैसे करें, है ना सर, मतलब एक बार वो मिल जाए कि शुरू कैसे करें। तो देखो यार, सबसे पहली चीज़ तो तुमको लगता है कि यार ये टॉपिक मेरा बहुत ज़्यादा वीक है, मैंने इसको समय नहीं दिया था क्लास 11th में, उसको उठा लो, ओके, कभी उसका वेटेज अच्छा है। देखो 1 नंबर 2 नंबर के वेटेज वालों को तो रहने दो, ओके, मतलब 4-5 साल में एक बार क्वेश्चन आ रहा है और वो चैप्टर तुमने पढ़ा नहीं अभी तक, तो उनको पढ़ने की अभी कोई नीड है नहीं, जितना पढ़ा है उसको और अच्छे से पढ़ लोगे तो काम आ जाएगा, समझ पा रहे हो, नहीं तो जितना पढ़ा है उसको भी नहीं दिया और नए नए टॉपिक पढ़ने लग गए तो इसमें दिक्कत आ जाएगी, फिर ये वाले गलत हो जाएंगे जो तुमको अभी आता है, तो जो आता है उसको और अच्छा कर लो, ओके, जो नहीं आता है उसमें जो इम्पॉर्टेंट है उनको अभी लो इनिशियली, मतलब जिनको तुमने एक बार भी नहीं पढ़ा मगर उनका वेटेज अच्छा है, मतलब 10 नंबर 12 नंबर का हर साल पूछा जाता है, तो उन टॉपिक को तुमको अच्छे से करना है। आई बात समझ में? अब जैसे 12th में वेक्टर 3D कॉम्प्लेक्स नंबर
कोनिक सेक्शन, कैलकुलस, ये चार के तो क्वेश्चन तुमको 20 क्वेश्चन में ये चार ही दिखेंगे. ओके, बाकी के जो 10 क्वेश्चन होते हैं वो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है ना, सेट्स से आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी से आ जाएगा, पीएनसी से आ जाएगा, तो बाकी सारे जो टॉपिक है उनमें से आते हैं. तो अपना काम क्या है कि यार ये जो चार यूनिट मैंने बताई, कॉनिक सेक्शन मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कैलकुलस, वेक्टर 3D, कॉम्प्लेक्स नंबर, ये चारों टॉपिक अच्छे से तुमको आने चाहिए. कैलकुलस बहुत बड़ा है, फंक्शन से लेके एरिया अंडर द कर्व, तो ये पूरा अच्छे से कर लो. ओके, बात समझ में. ऐसे ही तुम फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी अप्लाई करो. पहले देखो लास्ट 10 साल के पेपर उठा के. ओके, प्रीवियस ईयर की बहुत सारी किताब आती, कोई बुक खरीद लो ओरियंट की. और है ना, अब पढ़ने के बाद रोज टेस्ट लिया करो. ओके, 10 क्वेश्चन लिए, जो चैप्टर का तुमने रिविजन किया रैंडमली कहीं से भी उठा लिए कोई भी किताब से, तो इसका एक तरीका है कि तुम एक बुक मंगा लो प्रीवियस ईयर की, तुमने रिवीजन किया, फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अटेम्प्ट करें. उन 10 क्वेश्चन में से मान लो तुमसे पहली बार में 5 ही बने. ओके, तो जब ये 5 बने ना, तो ऐसे घबराना नहीं है. मतलब आज 5 बने, कल होगा 7 बनेंगे, परसों होगा 10 ही बन जाएंगे. ओके, तो धीरे धीरे बढ़ो आगे, हर चीज़ ईजी लगेगी. ओके, विथ सेट ऑल द बेस्ट. तुम लोग सब फोड़ोगे एग्ज़ाम में. मिलते हैं अगले वीडियो में, और उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को वीडियोस अच्छे लग रहे होंगे, समझ में आ रहा होगा. कभी चैनल पे आपको मज़ा आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, ताकि मैं को आप लोगों के लिए और अच्छे अच्छे वीडियो ला सकूँ. थैंक यू सो मच.